नमस्कार दोस्तों, देखिए आज हम फिर उपस्थित हैं एक और नए मैच के साथ। आज हम SRI ग्राउंड पर हैं, यहाँ पर मैच शुरू होने वाला है। मैच शुरू होने से पहले हमारे पास कुछ अतिथि हैं जिनसे हम आपको मिलाना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलूँगा हमारे विश्वा जी के पास, जो इंटरव्यू करेंगे हमारे मेहमानों का। तो लेट्स गो विश्वा जी। सभी व्यूअर्स को मेरा सादर प्रणाम। और प्रज्ञा अकेदमी के तत्वाधान में आज एक और फ्रेंडली मैच हम सभी के बीच होने वाला है। और इस फ्रेंडली मैच का हिस्सा बनने के लिए दतिया के जाने माने हम कह सकते हैं अधिकारी महोदय हमारे बीच में मौजूद हैं, और लोगों के बीच में लोगों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करने की जिम्मेदारी आप निभाते हैं, और काफ़ी लोकप्रिय व्यक्तित्व भी है। दोस्तों हमारे साथ अभी यहाँ पर दतिया जिले के SDM सर ऋषि सर एंड जिला पंचायत एडिशनल CO गिरिराज सर भी हमारे साथ उपस्थित हैं। तो हम उनको बुला के एक बार उनसे समझना चाहेंगे कि वो किस तरह से आज के इस प्रोग्राम को, इस ग्राउंड पे जो मैच हो रहा है, इससे दतिया में हम क्या स्कोप देख रहे हैं क्रिकेट का आगे चल के। तो मैं बैटल हैंड ओवर कर रहा हूँ विश्वा जी की तरफ। और विश्वा जी, ओवर टू यू। थैंक यू हृदय जी। दोस्तों हमारे साथ इस समय एडिशनल CO जिला पंचायत सम्माननीय गिरिराज दुबे सर हैं, और आप लोग इनके फेसबुक पर आप इनका क्रिकेट प्रेम देख चुके होंगे, और एक अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी हैं और अच्छे क्रिकेट के जानकार भी हैं। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ग्राउंड पर। सर सर रंगीन कपड़े, हरा भरा ग्राउंड और शानदार टर्फ विकेट, बहुत दिनों बाद आप इस प्रकार का माहौल आई थिंक पा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? ये दृश्य आंखों के लिए बड़ा ही सुकून और आरामदायक लग रहा है, और बड़ा रोमांच हो रहा है कि दतिया में अच्छा ये शाइनिंग स्टार एकेडमी चल रही है, और यहाँ के बच्चों के लिए बड़ा स्कोप अच्छा देख पा रहा हूँ। मैं भी कोशिश करूँगा कि अगले सीजन से मेरे बच्चे को भी उसमें एडमिट करा पाऊँ। बड़ा अच्छा काम चल रहा है। जहाँ एक और भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है और काफ़ी रोमांचक स्थिति में पहुँच चुका है, वहीं दूसरी ओर सुबह सुबह यहाँ पर क्रिकेट का माहौल पाकर आप बहुत दिनों बाद आई थिंक लेदर की बॉल से खेलने के लिए उतर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं? 2009 के बाद में आज काफ़ी दिनों बाद में यहाँ पे क्रिकेट खेलने के लिए आया हूँ लेदर बॉल से। बड़ा ऐसा लग रहा है कि मैं अपने 15-20 साल वाली उम्र में पहुँच गया हूँ, और बड़ा ही मतलब टेंशन रिलीज करने वाला मतलब एक ये क्रम है, और बड़ा ही अच्छा है। सर ऐसा ग्राउंड देखकर और इस प्रकार की क्रिकेट देखकर दतिया का भविष्य क्रिकेट रूप में आप किस रूप में देखते हैं? हाँ, मैं काफ़ी दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, दतिया में काफ़ी अच्छे क्रिकेट प्रेमी हैं और प्रोफेशनली काफ़ी अच्छे से डील कर रहे हैं चीज़ों को। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि निकट भविष्य में हमारे यहाँ से IPL और रणजी और नेशनल लेवल के प्लेयर भी निकलेंगे। सर सुबह सुबह से आपके मुँह में घी शक्कर दतिया के क्रिकेट प्रेमियों की ओर से। और एक और बड़ी क्रिकेट की शख्सियत हम कह सकते हैं, और दतिया SDM सम्माननीय ऋषि सिंघई सर, जो कि खुद एक अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी हैं, और स्टेट लेवल की क्रिकेट आप पार्टिसिपेट अपने समय पर कर चुके हैं। तो ये हमारे व्यूअर्स के लिए बड़े गौरव की बात है कि हमें उनके साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू विश्वा। सर हरा भरा ग्राउंड और टर्फ विकेट और बहुत दिनों बाद ग्राउंड पर वापसी, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत बहुत आनंदित। आज बहुत दिनों के बाद ऐसा दतिया में शायद पहली बार है कि जब मैं लेदर बॉल के साथ आ रहा हूं, और बहुत अच्छा लग रहा है। आज ग्राउंड को देख करके पुनः रोमांचित हूं, और आशा करता हूं कि आज सबसे ज़्यादा आनंद मुझे दतिया में आने वाला है। सर ये लोग तो दतिया के बहुत सारे क्रिकेटर्स जानते थे कि आप क्रिकेट खेले हैं, और कितने साल बाद सर लेदर बॉल की क्रिकेट? आई थिंक मुझे याद आ रहा है कि मैं इंजीनियरिंग के दौरान लास्ट अहमदाबाद में यूनिवर्सिटी हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से लास्ट में 2011 में खेला था। तो आज करीब 13-14 साल बाद पहली बार लेदर बॉल को मैंने छुआ भी है। ओहो, मोर देन 10 ईयर, मैं आपके एक्साइटमेंट को समझ सकता हूँ। सर सादा गेंद और रंगीन कपड़े, क्रिकेट का माहौल कैसा लग रहा है? सर बहुत रोमांचित करने वाला है, और आज ऐसा लग रहा है कि जो भी हो ही जाए। देखिए बड़ा आनंद आने वाला है। एक्साइटेड हमारे सर रहते हैं, और
शासन की विभिन्न योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी बड़े खूबसूरती से निभाते हैं। और सर, हमारे क्रिकेट खिलाड़ी जो इतने सारे यहाँ पर मौजूद हैं, वो आपको यहाँ पर पाकर बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। सर, दतिया के क्रिकेट प्रेमियों के लिए और दतिया के क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए कुछ मैसेज आप? लगातार देखा होगा विश्वा कि हमने अंतर विभागीय टूर्नामेंट लगातार दतिया में कराए हैं, लेकिन आज मुझे देखकर खुशी है कि लेदर बॉल के साथ में जब हम आ रहे हैं, तो आशा करता हूं कि हमारे सारे खिलाड़ी एक नए जोश के साथ आएंगे और आशा करता हूं कि भविष्य में कोई खिलाड़ी मुझे दतिया से भी निकलता हुआ दिखाई दे तो मुझे बड़ी खुशी होगी और आज इन सब के साथ भी बड़ा मज़ा आने वाला है। हमारे क्रिकेट प्रेमियों को मैं बता दूं कि ये हम सभी के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जितने भी अधिकारी हैं वो क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं। हमारे सम्मानी SDM सर के नेतृत्व में पिछले कई सालों से अंतर विभागीय टूर्नामेंट कराया जा रहा है और बहुत शानदार तरीके से वो टूर्नामेंट आयोजित कराए गए। सर थैंक यू वेरी मच आपके लिए। थैंक यू। एक और बड़ी शख्सियत हम सभी के बीच मौजूद हैं और क्रिकेट के लिए तो जाने पहचाने चेहरे हैं, सम्मानीय वैभव सर। और सर, आप तो कंटिन्यू क्रिकेट खेल रहे हैं और पिछले दो मैच मैंने देखे उनमें धड़ाधड़ रन कर रहे हैं। आज फिर से एक फ्रेंडली मैच है, किस रूप में इस मैच को ले रहे हैं? देखो, यहाँ जो मैच होते हैं वो काफ़ी शानदार होते हैं, अच्छा माहौल है, ग्राउंड अच्छा है, पिच अच्छी है और सारे प्लेयर्स बढ़िया एक हेल्दी माहौल रखते हैं जिससे कि मैच में इंटरेस्ट बना रहता है। और अभी दो तीन मैच काफ़ी क्लोज हुए तो मैच में तो मज़ा आ रहा है। आप श्रृंखला के मैच के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे और आप चाह रहे थे कि कैसे भी करके श्रृंखला में वापसी हमारी टीम कर पाए, हालांकि वो मैच श्रृंखला का तीसरा मैच आज नहीं हो पाया और शायद अगले वीक होगा। इस फ्रेंडली मैच में ज़रूर आप फिर से आतुर होंगे लगातार तीसरी बड़ी पारी खेलने के लिए? कोशिश करेंगे बिल्कुल कि अच्छी पारी खेली जाए, क्योंकि हर प्लेयर चाहता है कि अच्छा परफॉर्मेंस करे और टीम जीते, और उसकी वजह से अगर टीम जीती है तो उसे बहुत खुशी होती है। सर, ना केवल आप एक अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी हैं बल्कि आप एक अच्छे क्रिकेट व्यूअर्स भी हैं और आपने देखा होगा कि कल ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो मैच चल रहा था, शुरुआत में काफ़ी निराश हम और आप लग रहे थे, लेकिन जिस प्रकार का बैकअप गेंदबाजों ने दिया और आज का दूसरा दिन है, क्या कुछ किस रूप में देखते हैं इस मैच को आज का? कल मैंने पूरा मैच देखा, मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, टेस्ट मैच भी है तो भी मैं देखता हूँ, और कल जब 150 रन बने तो मैं काफ़ी निराश था, लेकिन मुझे पता था पर्थ की पिच कमाल वाली है और हमारे बॉलिंग लाइनअप काफ़ी अच्छी है, जैसे कि बुमराह जो कि विश्व के ना उनसे अच्छे बॉलर आए हैं ना उनसे अच्छे बॉलर आने की कोई संभावना है, और मेघराज जैसे बॉलर को भी उनने कल पीछे छोड़ दिया है, तो इसलिए बहुत अच्छी बॉलिंग हुई है। हर्षित राणा ने भी बहुत अच्छा बोल्ड मारा था और काफ़ी अच्छी टीम वर्क किया और जिससे कि 67 पे 7 हो गए थे। आशा करता हूँ कि 10-15 रन पे ऑल आउट हो जाए ऑस्ट्रेलिया, तो एक लीड के साथ अगर सेकेंड इनिंग इंडिया खेलेगी तो एक कॉन्फिडेंस रहता है और कॉन्फिडेंस रहेगा तो सामने वाली टीम पर दबाव भी बनेगा, और 250 रन बन गए पर्थ की पिच पर तो चौथी इनिंग में 250 रन बनाना ऑस्ट्रेलिया के लिए एक टफ टास्क होगा, और मैं आशा करता हूँ कि पहला टेस्ट इंडिया जीते और पर्थ पे एक बार फिर अपना तिरंगा लहरा। एक ट्रू क्रिकेट फैंस के नाते आप इस मैच को किस रूप में लेते हैं? आपको क्या लगता है इस मुकाबले में कौन सी टीम मजबूत है, ऑस्ट्रेलिया या इंडिया? ऑस्ट्रेलिया की घरेलू परिस्थितियां हैं, अभी भी उनके एलेक्स कैरी जो कि लंबी पारी और ऐसी पारियां खेलने के लिए जाने जाते हैं जिस प्रकार की पारी भारत की ओर से BBS लक्ष्मण खेला करते थे, टैलेंटर्स के साथ वो अभी खेल रहे हैं और उसके बाद उनकी गेंदबाजी लाइनअप बहुत सटीक है। क्या आप इस मैच को अभी हम आपसे पूछें तो कौन सी टीम स्ट्रॉन्ग पोजिशन में है? मेरे हिसाब से आज सुबह के टाइम नमी रहेगी पिच पे और जैसे बॉलर हैं तो स्टार्टिंग के आधा एक घंटे में उन्होंने 3 विकेट लेके भारत की इनिंग शुरू हो जाएगी और यहीं से स्टार स्पोर्ट्स पे लाइव देखेंगे अगर बैटिंग रही तो। चलिए, ये थे हमारे सर। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे आज के क्रिकेट स्टार जो कि आज हमारे इस ग्राउंड पर आए हुए थे और उनसे आपको मैंने रूबरू कराया सर, और ऐसे ही छोटे-छोटे पल हम बीच-बीच में आप लोगों के बीच लाते हैं। बढ़िया मजा आता है, जुड़े रहिए हमारी प्रज्ञा अकेडमी और हमारे इस चैनल के साथ।